जीते लोग माने में बात, ये टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है क्या? कैनबरा हाँ में भैया, टेस्ट मैचेस होते हैं, क्या होते भैया? क्रिकेट मैचेस। अपने स्टूडेंट भी है ऑस्ट्रेलिया में बहुत, 300 बच्चे अपने कैनबरा। ओ अच्छा, क्रिकेट का वो स्टेडियम है उधर, हाँ लेकिन ओके टिमोर। टिमोर सी के पास, टिमोर वो कंट्री की तरह इंडोनेशिया का था, इंडिपेंडेंट हुआ। ये वाला। हाँ, सुनामी का बहुत इफेक्ट था उसके ऊपर। हाँ पापुआ न्यू गिनिया कंट्री है। हाँ, एक्चुअली इसके बाजू वाला जो वेस्ट साइड में जो है, दैट इज वो इंडोनेशिया का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज वेस्ट पपुआ और इरियन जया, टू बी मोर यू नो इनटू द इंडोनेशियन थिंग। सी पीपल भैया, मैं बोलना शुरू कर दूँ? बिल्कुल। अच्छा ओके, सी दिस पोर्शन वी आर लुकिंग एट ऑस्ट्रेलिया एंड ओशानिया। ओके सो वी विल कंसिडर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड ऑल दीज ओशानिक आइलैंड्स दैट वी सी। ओके ओशानिया, सो यहाँ पर ना दिस इज इंडोनेशिया, ये वाला पार्ट इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया को एंड ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करने के लिए यू हैव द टिमोर सी एंड यहाँ पर एक अराफुरा सी है। ओके दिस इज वी हैवंट एक यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, ये यहाँ पर टिमोर सी है एंड और ये यहाँ पर अराफुरा सी है। ओके टिमोर सी एंड अराफुरा सी, दे सेपरेट इंडोनेशिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑल राइट, ये यहाँ पर गल्फ ऑफ कार्पेंटर है। ओके कार्पेंटेरिया, सॉरी कार्पेंटेरिया है एंड आई डू नॉट लाइक दिस मैप, सो वी आर गोइंग टू लुक एट दिस वन। ओके दिस इज द ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ पर क्वींसलैंड है। ये वाला जो प्रोविंस है ना, इसको क्वींसलैंड कहते हैं या इसको न्यू साउथ वेल्स कहते हैं। ओके तो ये यहाँ पर ग्रेट ग्रेट बैरियर रीफ है। आई एम फर्स्ट डिस्क्राइबिंग ऑस्ट्रेलिया टू यू। ओके तो दिस इज द ग्रेट बैरियर रीफ एंड दिस इज ऑलमोस्ट ना 2000 किलोमीटर्स तक ये ऐसा बॉर्डर करता है टू ऑस्ट्रेलिया। ओके क्वींसलैंड प्रोविंस को एंड उसके ठीक बाजू में यहाँ पर कोरल सी है। तो कोरल सी, ग्रेट बैरियर रीफ एंड कोरल सी स्टैंड बिटवीन द ओशानिक आइलैंड्स एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये पापुआ न्यू गिनी का एक कैपिटल सिटी है, पोर्ट मोर्सबी, वे सबसे इंपॉर्टेंट है उनके लिए, बहुत बहुत जरूरी है। पापुआ न्यू गिनी इज नॉट डूइंग वेरी वेल। ऑल राइट, वी हैव सीन ईस्ट टिमोर सी, ये यहाँ पे नीचे नीचे दिस पार्ट, कैन यू सी दिस पार्ट? दिस इज कॉल्ड एज द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ओके बाइट एज इन बे, बे जैसा चीज जो होता है ना, उसको यहाँ पर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहते हैं। ऑल राइट, इस ये जो पूरा कॉन्टिनेंट एंड दिस दिस टैस्मन सी, दिस टैस्मन सी, यू कैन सी द टैस्मन सी, इट सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम न्यूजीलैंड। ओके एंड बास स्ट्रेट जो है वो सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम तस्मानिया। अभी तस्मानिया एंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक ही कंट्री का हिस्सा है। ओके मतलब तस्मानियन आइलैंड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑल राइट, ऑन द अदर हैंड न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आर टू सेपरेट कंट्रीज, राइट? वी नो दैट। एनीथिंग एल्स दैट आई शुड टेल यू? ये यहाँ पे मरे डार्लिंग बेसन, हाँ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये मरे रिवर है, ये डार्लिंग है एंड ये दोनों का मिला के यहाँ पर जो होता है वो मरे डार्लिंग बेसन है। ओके दिस इज द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के ना, इट्स अ फनी प्लेस, इट इज हाउ डू यू से दिस, इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स, वन ऑफ द नहीं, इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ओके हमारे जितने भी 7 मेजर जोग्राफिकल कॉन्टिनेंट्स माने जाते हैं ना, उसमें से सबसे छोटा वाला, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ये एंड इट इज द लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑल्सो आफ्टर एंटार्टिका। राइट एंड ये ना फ्लैटेस्ट भी है, इट इज द फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑल्सो, इज कंसिडर्ड हाँ ओनली कंट्री टू बी कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट, वेरी करेक्ट एंड इट इज द फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑल्सो। ओके यहाँ का जो हाईएस्ट पॉइंट है ना वो यहाँ पर है, दिख रहा है आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में, यहाँ पर नीचे कैनबेरा के नीचे एक माउंट कॉजियोस्को करके पॉइंट है, दिख रहा है आपको ये वाला पॉइंट, इट इज माउंट कॉजियोस्को। ओके तो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट इन अफ्रीका एंड दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, ये यहाँ पर लेक एयर दिख रहा है, EYRE एयर, लेक एयर, तो दिस इज द लोएस्ट पॉइंट। ओके उसके यहाँ पर जैसे ही आपका ये वाला जो पार्ट है ना, दिस दिस इज द ग्रेट आर्टेशियन बेसिन। ओके दिस दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द ग्रेट आर्टेशियन बेसिन, क्योंकि ना यहाँ पर आप अंडरग्राउंड वेल्स, आई मीन यू कैन डिग ट्यूब वेल्स एंड यू नो अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर का बहुत बड़ा सोर्स है। तो इन अ कंट्री जो नॉर्मली यू नो जहाँ पर आपके एक ही एक एक रिवर सिस्टम है जो इंपॉर्टेंट है बहुत मेजर, एंड देन उसके बाद आपको छोटे छोटे रिवर्स मिलते हैं एंड इतना बड़ा मोस्टली लेफ्ट वो जो वेस्टर्न पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, मोर देन हाफ ऑफ दिस इज एक्चुअली अ डेजर्ट। ओके तो ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, तानामी डेजर्ट, ये किम्बर्ली प्लाटो, ये भी प्लाटो है, अच्छा है, लेकिन इट इज स्टिल अ डेजर्ट रीजन। ओके तो ये जो सारे रीजन है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आपको ये वाला रीजन दिख रहा है, ये वाला थोड़ा सा रीजन एंड ये यहाँ पर थोड़ा सा। ओके यहाँ पर ना आपको
You find a bit of a Mediterranean climate. So once again, it is cool, nice, easy, but it is, how do you say, वो बहुत छोटा छोटा area होता है, okay? It is a very small area. Australia का ना एक interesting चीज है जो आपको पता होना चाहिए, वो ये कि इस continent का नाम ना सहूल है, okay? ये दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, the continent of Australia is referred to as सहूल. ये जो सहूल नाम है ना, ये सहूल शेल्फ से आता है, okay, which is part of the continental shelf of Australian continent. ये उस शेल्फ का पार्ट है, एंड इसमें आपको मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया आता है, तस्मानिया आता है, आइलैंड ऑफ न्यू गिनी आता है, एंड नहीं, न्यूजीलैंड नहीं आता है उसके अंदर. न्यूजीलैंड का सिर्फ साउथ आइलैंड आता है, नॉर्थ आइलैंड तो नहीं आता है, ओके. एंड इट इज द स्मॉलेस्ट एंड ऑल, ओके. नाउ वी विल गो बैक टू लुकिंग एट व्हाट ऑस्ट्रेलिया डज. ओके, ये जो अभी हम ना ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड को थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं, ऑलराइट. अब ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना अपना, दिस इज नाउ वन ऑफ द ओल्डर कॉन्टिनेंट्स, ओके. ये थोड़ा सा रिमेंबर, ये सदर्न कॉन्टिनेंट का पार्ट है ना, तो ये थोड़ा सा ओल्डर कॉन्टिनेंट है, ओके. ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट्स है, मैसिव है, कॉम्पैक्ट है, सब कुछ एक जगह पे है. हाँ जी, आप लोग चालू हो जाइए. आर यू फीलिंग हैप्पी अबाउट दिस नाउ? ओके, मी टू. हाँ जी, तो ये जो है एरिया, ये थोड़ा सा मैसिव है, ओके. एक जैसा है ना, सिर्फ एक छोटा सा तस्मानिया अलग हो गया है उनसे, ओके. तो दिस इज अ मैसिव एंड कॉम्पैक्ट रीजन, एंड यहाँ पर कोई एक्टिव वोल्केनोज नहीं दिखते आपको, है ना. ये दिस इज योर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये यहाँ पर आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है. ऑस्ट्रेलिया इज सेफ, वो कॉन्टिनेंट के बीचों बीच आता है, इट इज सेफ. यहाँ पर आपको वोल्केनोज नहीं दिखते, अर्थक्विक्स नहीं होते, नाइदर साइस्मिक नॉर वोल्केनिक एक्टिविटी, ओके. देर इज अ प्रॉब्लम ओवर योर, यहाँ पर ये जो नॉर्दर्न रीजन है ना, ये वाला रीजन, यहाँ पर आपको इंडियन ओशन एंड इस तरफ से विली विलीज आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जिसको कहते हैं ना, वो मतलब विली विलीज. तो दिस इज फाउंड ओवर हियर, ओके. हाँ जी, थैंक यू सिद्धेश फॉर लेटिंग अस नो. ऑस्ट्रेलिया इतना लीस पॉपुलेटेड है, सिद्धेश कैन यू पुट दिस इन द पब्लिक चैट. ऑस्ट्रेलिया इज सो लीस पॉपुलेटेड कि इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 3.3 पर्संस. इमेजिन 3.3 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ऑस्ट्रेलिया की, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन, लेट मी रिमाइंड यू, ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट पॉपुलेशन ना ऐसे कोस्टल सिटीज में रहता है, ओके. ये बीचों बीच पॉपुलेशन थोड़ा कम है, मोस्ट पॉपुलेशन विल बी सेटल्ड ऑन द कोस्ट, ऑलराइट. सॉरी, व्हाट वाज आई टेलिंग यू, यहाँ पर ये विलीज यहाँ पर इस तरफ आते हैं, एंड मोस्टली ना ये वाला जो रीजन है वो लो रिलीफ रीजन है, ओके. यहाँ पर बहुत, मतलब बहुत फ्लैट लैंड है ये, एंड ये ग्रेट आर्टेशियन बेसिन जो है यहाँ का, इस तरफ का जो ग्रेट आर्टेशियन बेसिन है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट, हमारे लिए मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से आपको अंडरग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर मिलता है, स्पेशली इन द कंट्री जहाँ पर सर्फेस वाटर बहुत कम है एंड ऊपर से डेजर्टिफिकेशन ज्यादा है, ओके. प्लीज रिमेम्बर माउंट कोजियोस को एंड लेक एयर, ओके. ये दोनों रीजन्स को, एयर, ये दोनों को याद कीजिएगा, ओके, अच्छे से. एंड इस कंट्री के जो नेटिव पीपल है ना, मतलब नेटिव इनहैबिटेंट्स थे, दे आर कॉल्ड एज एबोरिजिन्स, एंड उनका एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ बहुत मेजर हाउ डू यू से, यू कांट से झगड़ा चल रहा है, बट एबोरिजिन्स को ना बहुत डिस्क्रिमिनेशन से ट्रीट किया जाता है, दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड एवरीथिंग, एंड दैट इज व्हाई पीपल that community has to fight for their rights and everything, and wo, that is an ongoing battle for them, okay. Like most native people, unke liye bhi wo ek ongoing battle hai for the aborigines. So please remember, aborigines belong to this part, okay, australia ke hai wo, and wo almost throughout australia aapko phele hue nazar aate, okay. They, like, you'll find them everywhere, it is not like they are concentrated in a certain region or anything, all right. Now ये जो तस्मानिया है, ये इंटरेस्टिंग जगह है, क्योंकि तस्मानिया की खासियत ना आपको ये होती है कि तस्मानिया इज हाउ डू यू से, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ये भी मिल जाता है, मिनरल्स भी मिल जाते हैं, लेकिन तस्मानिया की सबसे बड़ी बात ये है कि तस्मानिया इज अ वेरी हाउ डू यू से नाइस रीजन, क्लाइमेट अच्छा है उसका, गार्डनिंग एंड एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है. तो यहाँ से जितना भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड ऑल एवरीथिंग जाते हैं, पीपल ओके, यहाँ से जितने भी फ्रूट्स एंड ऑल, तस्मानिया से जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जाते हैं वो इस तरफ जाते हैं. हाँ जी, हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया इज वेरी वेरी ड्राई, एक्सट्रीमली ड्राई प्लेस, वेरी वेरी ड्राई, आई अग्री प्रताप, ओके. तो यहाँ से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जाते हैं सीधे इस रीजन में, ओके, ऑस्ट्रेलिया के रीजन में, एंड दे सप्लाई फूड एज इन वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स टू ऑस्ट्रेलिया. ये रोज का बिजनेस होता है उनका, रोज रोज जाके बेच देते हैं वो, ओके. सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्लेस फॉर इट, ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट यू कम टू, ये थोड़ा सा हम ना न्यूजीलैंड को देख लेते हैं, ओके. न्यूजीलैंड को ठीक से देख लीजिए,
ये उसका कैपिटल है वेलिंगटन, ये एक नॉर्थ आइलैंड है साउथ आइलैंड है, इन दोनों को, ये नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड को जो चीज सेपरेट करती है ना, दैट इज कॉल्ड एज कुक स्ट्रेट. ओके, कुक स्ट्रेट सेपरेट्स दीज टू आइलैंड्स. अभी ऑस्ट्रेलिया की ये सॉरी न्यूजीलैंड की खासियत ये है कि यहाँ पर नीचे ना, ये कंट्री में भी ना बहुत रग ऐसे एलिवेटेड टोपोग्राफी है. ओके, यू आई डोंट नो इफ यू हैव सीन मूवीज एंड एवरीथिंग जो हर जगह पे मिलते हैं, या एवरीथिंग जहाँ पे न्यूजीलैंड दिखाया है आपको, यू विल सी कि इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. ऐसे यू विल सी माउंटेन्स एंड रिवर, यू नो, ऐसे लेक्स एंड एवरीथिंग, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. तो ये रीजन ना बहुत एलिवेटेड टोपोग्राफी दिखाता है. ओके, दिस रीजन न्यूजीलैंड. सो एंड इतना लैंड आपका यूजली एलिवेशन में एंड माउंटेन्स में चला जाता है कि नॉर्मल लोगों को रहने के लिए एंड एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत कम लैंड बचता है. ओके, सो यू हैव फॉरेस्ट, यू हैव ब्यूटिफुल कॉनिफरस फॉरेस्ट एंड माउंटेनस रीजन एंड एवरीथिंग, बट वेरी लेस स्पेस फॉर डूइंग एग्रीकल्चर एंड ऑल. ओके, एग्रीकल्चर करना ही है आपको तो ये जो सदर्न आल्प्स है ना, सदर्न आल्प्स आर माउंटेन रेंज इन द साउथ आइलैंड. ओके, साउथ आइलैंड में वेस्टर्न साइड पे, थोड़ा सा यू अंडरस्टैंड वेस्टर्न साइड राइट. हाँ, तो ये ऐसा वेस्टर्न साइड पे यू हैव द सदर्न आल्प्स. ओके, उसका ये जो ईस्टर्न पोर्शन है ना, यहाँ सदर्न आल्प्स के ईस्ट में जो पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड एज कैंटरबरी प्लेन्स. ओके, कैंटरबरी प्लेन्स एक्चुअली सदर्न आल्प्स के रेन शैडो रीजन में आते हैं. ओके, इसके बावजूद भी कैंटरबरी प्लेन्स को ठीक ठाक बारिश मिल जाती है, एंड वो आपका सबसे, how do you say, it is the most productive region by this ऐसे agriculture. ओके, agriculture के हिसाब से ये जो Canterbury Plains है ना South Island में, they are the most productive region. ओके, इसकी एक और खासियत है South New Zealand की, कि ये आता है आपके, if you see New Zealand as a whole, this over here as a whole, तो ये जो North Island and South Island का division है ना, rather North Island का ही half में, यहाँ पर this is a plate-plate convergence. Okay, यहाँ पर दो plates converge होती है, Australian and Pacific plate का convergence होता है. Pacific plate Australian के नीचे चली जाती है, all right, because it is a ocean and it is, you know, a thicker plate, तो वो नीचे चला जाता है, oceanic plate है, all right. But the problem is कि North Island उसकी वजह से volcanic है, all right, and यहाँ पर आपको active volcano भी दिखते हैं, अर्थक्वेक्स भी दिखते हैं. ऑस्ट्रेलिया के यू नो मतलब ऑस्ट्रेलिया में जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, वैसे इनको भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं. तो न्यूजीलैंड इज अ स्कैरी प्लेस. ओके, बिकॉज़ यू हैव, इट इज वेरी एक्टिव साइस्मिकली एंड वोल्केनिकली, प्लस यू नो क्लाइमेटिक हजार्ड्स भी आ जाते हैं वहां पे. ऑलराइट, स्कैरी एज इन इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, डोंट गेट मी रॉन्ग, स्कैरी एज इन बिकॉज ऑफ द होल वोल्केनिक एंड साइस्मिक एक्टिविटी. ठीक है, यहाँ की जो नेटिव इनहेबिटेंट्स है न्यूजीलैंड के, दे आर कॉल्ड एज माउरीज. ओके, अब इसके लिए आपको यहाँ जाएंगे हम लोग. दिख रहा है आपको यहाँ पे न्यूजीलैंड के जो नेटिव इनहेबिटेंट्स है, दे आर कॉल्ड एज माउरीज एंड दे आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द नॉर्थ आइलैंड. ओके, तो ये जो पीपल है माउरीज, तो उनका ना एक ट्रीटी ऑफ वैतंगी करके एक ट्रीटी है. ओके, तो वैतंगी करके एक जगह है जहां पर इन्होंने एंड ब्रिटिश लोगों ने मिलकर एक ट्रीटी बनाया, जहां पर ब्रिटिश ने बोला हाँ जी करेक्ट, बिकॉज बोथ न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आर दिस कॉलोनीज, व्हाट डू यू से, ब्रिटिश कॉलोनीज. वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट. फेब्रुवरी 6, 1840 में ये ट्रीटी साइन किया था इन्होंने, एंड इन्होंने इस ट्रीटी के हिसाब से व्हाट द ब्रिटिश हैड सेड कि आपको हर प्रोविंस के लिए एक गवर्नर मिल जाएगा, ब्रिटिश गवर्नर, एंड माउरीज को उनके उनके लैंड्स वापस दिए जाएंगे, यू नो, दे विल गेट राइट्स ओवर देयर लैंड्स. तो लेटर ऑन व्हेन न्यूजीलैंड को इंडिपेंडेंस मिला एंड यू नो इट बिकेम अ होल न्यू नाइस इंडिपेंडेंट कंट्री, तो माउरीज वॉन्टेड देयर राइट्स बैक. ओके, सो दिस ट्रीटी ऑफ वैतंगी इज पार्ट ऑफ अ, यू नो, इट्स अ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इशू की वेदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है या नहीं है, माउरीज को उनके लैंड्स मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, सो ऑन सो फोर्थ. सो प्लीज रिमेंबर दिस, इट्स एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. ओके, एंड इट कीप्स कमिंग अप इन कॉन्वर्सेशंस व्हेन यू कम टू न्यूजीलैंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को, अरे यार आई एम गोइंग बैक, इज देयर समथिंग जो मैं वापस आऊंगी, लेकिन मुझे वो रीजन आपको यहाँ पे दिखाने. ऑलराइट, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया को ना डिविजन्स में, तीन रीजन्स में बांटा जा सकता है. ओके, रदर चार रीजन्स में बांटा जा सकता है. ये वाले जो आइलैंड्स है ना ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के, ये थोड़े से ईस्टर्न ह्यूमिड आइलैंड्स है. ओके, ह्यूमिड है वो थोड़े से, उसको अच्छा ठीक ठाक बारिश मिल जाता है. ओके, देन ये आपके सवानाज है. ओके, ये वाला जो रीजन है ना,
दैट इज द सॉरी ये वाला जो रीजन है ना दैट इज द सवानास. ओके यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल सवानास मिल जाते हैं. दिस इज द ग्रेट आर्टेशियन बेसिन एंड यहाँ पर नीचे आपको ऐसे शीप वीप ये सब कुछ आप कर सकते हैं. ओके शीप शीप रेयरिंग के लिए जो ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा बिजनेस है उनके यहाँ एक मेरिनो शीप करके आता है. तो यू नो दैट्स it's found over there in large quantities and it's very very specific and unique to Australia. It produces one of the best quality wool ever known to mankind and so on and so forth. Okay, तो ये जो जगह है ये थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए. जहाँ पे आप शीप रेयरिंग करते हैं ना वो ड्राई होना चाहिए बिकॉज वो शीप के पैर ना गीले नहीं होने चाहिए. अगर वो शीप के पैर बहुत गीले रहे ना तो उनको इन्फेक्शन हो जाते हैं एंड देन वो ऑब्वियसली बुल की क्वालिटी खराब हो जाती है एंड सो ऑन सो फोर्थ. ओके ठीक है. देन नेक्स्ट यू हैव ये आपका ये वाला रीजन हो गया. फिर अब ये थोड़ा सा साउथ वेस्टर्न रीजन में ना थोड़ा सा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है. ये वाला रीजन जो है ये थोड़ा सा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट दिखाता है आपको. ओके एंड लास्टली यू हैव द ड्राई इंटीरियर्स. ये जो इतने बड़े बड़े डेजर्ट्स लगा के रखे हैं उन्होंने खुशी से पब्लिश कर रहे हैं डिस्प्ले कर रहे हैं. तो ये सारे ड्राई रीजन है इंटीरियर ड्राई रीजन. ओके इसकी एक खासियत है ये जो मरे डार्लिंग सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट है. दैट इज द वन रिवर सिस्टम दैट वी शुड नो अबाउट. एंड इसका ना नेटिव वेजिटेशन में यूकलिप्टस के ट्रीज जो होते हैं ना नीलगिरी के ट्रीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है इसको अंडरग्राउंड अंडर वाटर गार्डन कहते हैं. अंडर वाटर गार्डन कहते हैं ओके ग्रेट बैरियर रीफ को. दिस ग्रेट बैरियर रीफ बिकॉज वो बहुत खूबसूरत दिखता है. आई हैव शोन यू हाउ अ बैरियर रीफ लुक्स लाइक राइट. इट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी. एंड ये ना पूरा पूरा क्वींसलैंड के कोस्ट को पैरेलल रन करता है. ओके अभी आपको मिनरल्स ढूंढने हैं. ओके तो मिनरल्स आपको यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स में मिलते हैं. आई शुड नॉट शो यू दिस रीजन. यहाँ पे ये दिख रहा है आपको. मैं आपको मेजर रीजन्स बताती हूँ. ये क्वींसलैंड है, ये न्यू साउथ वेल्स है, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया है, ये नॉर्दर्न टेरिटरीज है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है. सारा आपका जितना भी इंपॉर्टेंट बिजनेस होता है इंपॉर्टेंट बिजनेस एज इन यू नो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक वगैरह वगैरह वो सब कुछ आपको इन दो रीजन्स में मिलता है बिकॉज दिस इज ब्लेस्ड क्लाइमेटिकली ऑल्सो एंड मिनरल्स के हिसाब से भी. ओके तो यहाँ पर आपको कोल मिलता है इस रीजन में. ओके गोल्ड आपको यहाँ पर मिलता है कैलगुरली एंड कंबाल्डा में. ओके आयर्न ओर आपको इसी रीजन में मिलता है इसमें मिलता है. यूरेनियम के हाइएस्ट रिजर्व है इनके ऑस्ट्रेलिया के. एंड देन यू ऑल्सो गेट कॉपर लेड सिल्वर टिन यू नो इस तरह के चीजें मिल जाती है आपको. कॉपर लेड सिल्वर टिन जिंक टंगस्टन. सो यू फाइंड ऑल दोस थिंग्स ऑल्सो ओवर हियर. ओके वी हैव डिस्कस्ड मेरिनो शीप इज इम्पॉर्टेंट. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस दैट बैरियर रीफ इज बीइंग ब्लीच्ड एंड डैमेज्ड एंड इट इज इन अ ह्यूज ह्यूज डेंजर ऑफ बीइंग वाइप्ड आउट एक्चुअली कंप्लीटली एज अ वंडर इट्स बीइंग इन डेंजर ऑफ बीइंग वाइप्ड आउट. एंड इनके एक्सपोर्ट्स मेनली बीफ वीट एंड डेयरी फार्मिंग के होते हैं. ओके अपार्ट फ्रॉम मिनरल्स एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो यूजुअली बीफ क्योंकि यू नो ये बहुत इनके यहाँ फार्मिंग ना एग्रीकल्चरल फार्मिंग मिक्स फार्मिंग होता है. इनके यहाँ थोड़ा सा ये जो कॉर्न मेज वगैरह होता है ना ये लोग भी उगाते हैं लेकिन ये मोस्टली ना ऐसे एनिमल्स को खिलाने के लिए उगाते हैं. तो देन दैट इज व्हाई उनके यहाँ बीफ का एक एक्सपोर्ट अच्छा चलता है. डेयरी फार्मिंग डेयरी प्रोडक्ट्स भी आते हैं एंड वीट भी उगाते हैं वो इस रीजन में. ओके जहाँ पर मरे डार्लिंग बेसिन है ना वहाँ पर वो वीट भी उगा लेते हैं. ऑलराइट नाउ यू कम टू ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सॉरी न्यूजीलैंड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस ना इज वी हैव डिस्कस दिस राइट. हाँ ये न्यूजीलैंड का एक रिवर याद कीजिएगा वाइकातो करके. नॉर्थ आइलैंड में उसका एक रिवर है वो प्लीज याद कीजिएगा. एंड उसका लार्जेस्ट लेक जो है वो लेक टाउपो है. ओके जस्ट रिमेम्बर द नेम्स क्या बोले अभी. एंड इसका नेटिव प्लांट स्पीशीज है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता वो यहाँ मिलता है पुका एंड कॉरी. ये ऑस्ट्रेलिया के पास भी ना ऐसे बहुत ट्रीज एंड एनिमल्स है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते. ये एनिमल्स देखिए आपने यहाँ पे कहाँ गए एनिमल्स इनके ये देखिए kangaroos, koalas, wallabies, wombat, possums, platypuses. ये बहुत rarely मिलते हैं आपको कहीं भी. Okay, so you have this thing also. And New Zealand का जो vegetation है वो evergreen beech and conifers का होता है. All right. अभी मैं आपको in general I'll introduce you to the rest of the countries and I think we should be done with that. ये देखिए ये रहा आपका आपको नजर आ रहा है राइट. ये पापुआ न्यू गिनी. ओके सो दिस इज अ एंटायर वी कंसिडर्ड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया विच वॉज अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. नाउ वी नीड टू लुक एट पापुआ न्यू गिनी. ओके ये इसका ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इक्वेटोरियल वेजिटेशन है. थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है कंट्री में लेकिन फिलहाल यू नो ठीक है मतलब इट्स नॉट दैट बैड आइदर. ओके देन ये वाला जो रीजन है ना इसको मिलानेशिया कहते हैं. ओके अब इस रीजन में आता है ये एरियन जया
इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा हमको. ओके देन ये वाला आइलैंड, ये पूरा पापुआ गिनी, दिस विल ऑल्सो बी देयर. ये सोलोमन आइलैंड्स विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड ओवर हियर. सो विल वानुआतु. ओके ये वानुआतु आइलैंड्स भी कंसिडर करने पड़ेंगे. एंड ये फ्रेंच कैलेडोनियन आइलैंड्स जो है ये वाले कंसिडर करेंगे. ओके मतलब कोरल सी के आजू बाजू जितने भी रीजन है, छोटे छोटे रीजन है, वो सारे मेलानेशिया में आएंगे. ऑलराइट अभी ये ऊपर, अभी नेक्स्ट इज फिर ये माइक्रोनेशिया ऊपर के दिख रहा है आपको, दीज आर माइक्रोनेशिया. ओके एंड लास्टली यू हैव द पॉलिनेशिया. पॉलिनेशिया मतलब बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स आएंगे. तो यहाँ पे किरिबाती है, तुवालू है, सामोआ है, अमेरिकन सामोआ है, टोंगा, फिजी, यू नो ये जो सारे आइलैंड्स है. यहाँ पर हवाई के थोड़े आइलैंड्स है जो दिखाई नहीं दे रहे आपको, बिकॉज यू नो वी आर आउट ऑफ द मैप. तो ये वाले जो आइलैंड्स है, कुक आइलैंड्स एंड ऑल एवरीथिंग, ऑल दीज विल बी इंक्लूडेड इन पॉलिनेशिया. ओके एंड आई थिंक वी आर डन विद दिस. इज देयर समथिंग दैट आई शुड शो यू ओवर हियर? हमने पहले भी डिस्कस किया था ना, ये केन्स, टाउन्सविल, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न है ना, एडिलेड ओवर हियर, देन यहाँ पर पर्थ मिलता है आपको, एंड दिस इज पोर्ट हेडलैंड का गया मेरा, यहाँ पर एच पोर्ट हेडलैंड होना चाहिए एंड डार्विन. ओके तो दीज आर द सिटीज, वो बी ए एम एस सी पी एच डी वाला, सॉरी हाँ बी ए एम एस सी पी एच डी वाला याद है राइट? आई होप यू रिमेम्बर दिस पीपल. ओके I am done with this part now. Next, we go on to North America. ठीक है? Important region है हमारे लिए. मैं ना हमेशा सोचती हूँ वो stand-up comedians इतनी देर तक बात कैसे करते हैं? God knows. I mean, I talk and I talk a lot, but this is exhausting, man. चलो जी. दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ. Good here. Okay. चलो नॉर्थ अमेरिका में दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ओके सबसे बड़ा एशिया है, फिर उसके बाद अफ्रीका है, फिर ऑडियंस हंसती है. हाँ मेरी वाली ऑडियंस सोती है ना, मैंने इतनी बड़बड़ करने के बावजूद भी. चलो ये वाला जो रीजन है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये थर्ड लार्जेस्ट रीजन है आपका आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका. ठीक है ये ना आपके दो सबसे बड़े कंट्रीज कंटेन करता है एरिया के हिसाब से. कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स दोनों बहुत बड़े कंट्रीज है. ओके तो ये दोनों को कंटेन करता, दोनों कंट्रीज को कंटेन करता है. एंड दोनों कंट्रीज की खासियत ये भी है कि ये दोनों फेडरल डेमोक्रेसीज है ना, फेडरल है ना दोनों डेमोक्रेसीज. सो दिस इज, यू अंडरस्टैंड व्हाट अ फेडरल डेमोक्रेसी इज राइट? इंडिया में कैसा एक यूनियन है ना, मतलब इंडिया इज अ यूनियन, हम डिफाइन करते हैं, वी हैव सेपरेटेड इन टू स्टेट्स, लेकिन फिर भी यूनियन का ज्यादा चलता है राइट हमारे यहाँ पे, वैसे इनका नहीं है, इनका प्रॉपर फेडरलिज्म है एंड रियल फेडरलिज्म है. ओके ये रीजन्स एक्सट्रीमली अर्बनाइज्ड है, मिनरल बेस्ड है, एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छा करते हैं, दे आर ब्लेस्ड 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 इन एवरी वे. ओके सबसे बेस्ट एंड हाईली वैल्यूड मिनरल्स मिलते हैं, नेचर का भी बहुत अच्छा है, यू नो ब्लेसिंग है, इनफ ट्रीज है, इनफ प्लांट्स है, एग्रीकल्चर अच्छा है, बहुत सारा वाटर पावर सब कुछ मिल जाता है. ओके दिस इज द रीजन फॉर यू. नाउ अभी जनरली टोपोग्राफी देख लेते हैं. ओके ये यहाँ पे दिख रहा है अलास्कन रेंज है ये, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? ओके अभी दिख रहा है, दिस इज अलास्कन रेंज. ओके ये आपका अभी ये वाला जो रीजन है ना, ये अलास्का है, तो ये यूएस का पार्ट हो गया. ओके ये पूरा यहाँ से ये लेके यहाँ तक आपका ये दिख रहा है पर्पल पर्पल लाइन, हाँ ये पूरा आपका कैनेडा है. ओके एंड देन उसके नीचे जितना भी रीजन है यहाँ तक, this is your USA. okay ye pura USA hai this region. and next you come to han are why do I very smart, he says 49 states separate Canada and USA. Canada and USA, acha 49th parallel, what am I reading? yes thank you for reminding me of that. and ye raha aapka Mexico. okay ye Mexico immediately jahan par Mr. Trump wall khadi karna chahte the. So this is Mexico. Okay, ये जो Rio Grande River है ना, that forms a natural boundary. Okay, over here it forms a natural boundary between the USA and Mexico. Okay, and ये Mexico का गुम हो गया मेरा. हाँ 1867 में purchase किया था मैंने बोला था ना 1865 में आपका सिविल वॉर खत्म हो गया. एंड विद इन टू इयर्स इवन आई वाज सरप्राइज्ड कि यू नो यू आर जस्ट डन विद द सिविल वॉर, यू हैड अ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम गोइंग ऑन इन द कंट्री एंड यू दे स्टिल डिसाइडेड टू गो अहेड एंड बाय अलास्का. ऑफ कोर्स इट टर्नड आउट टू बी वेरी गुड फॉर देम बट स्टिल आई डोंट नो द थैंक यू आई डिडंट नो आई डिडंट रिमेंबर द एग्जैक्ट दिस
ये रहा आपका मेक्सिकन प्लेटो, ओके, जिसमें ना आपको ये सियरा, ये याद कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है. मेक्सिकन प्लेटो जो है ना, एक तरफ आपको सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल मिलते हैं एंड दूसरी तरफ आपको सियरा माद्रे ओरिएंटल मिलते हैं. ओके, तो ये दोनों माउंटेन्स के बीच में ये सैंडविच्ड मेक्सिकन प्लेटो मिलता है आपको. ओके, ऑक्सीडेंटल का मतलब वेस्ट, ओरिएंटल का मतलब ईस्ट. ये याद रहेगा ना आपको, क्योंकि हम ओरिएंट बुलाते थे, रिमेम्बर, ओरिएंटल स्टडीज एंड ईस्ट, ईस्टर्न पार्ट को ओरिएंट बुलाते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल. ओके, ये युकातन पेनिनसुला, इसको रिमेंबर दैट देर वॉज अ सिविलाइजेशन दैट यूज टू बी कॉल्ड एज द मायन सिविलाइजेशन, जिन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि 21 December 2012 को सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, सो ऑन सो फोर्थ एंड एवरीथिंग, एंड एवरी वन एल्स वॉज, आई डोंट नो, यू गाइज मस्ट हैव बीन रियली स्मॉल, लेकिन आई रिमेंबर एवरी वन अराउंड मी वॉज रियली प्रिपेयरिंग फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड इन 2012. ओके, एवरी वन एज इन मोस्ट पीपल, देर वर थियोरीज, कॉन्स्पिरेसी थियोरीज एंड सो ऑन सो फोर्थ. वो जो सिविलाइजेशन था वो इस एरिया में सेंटर्ड है. ओके, ये वाला जो पार्ट है ना, तो यहाँ पर ये सिविलाइजेशन सेंटर्ड है. युकातन पेनिनसुला इज कंसिडर्ड एज अ प्राइम प्लेस फॉर द मायन सिविलाइजेशन. ओके, ये रहा आपका पनामा. ओके, पनामा जो है वो एक इस्थमस है. इस्थमस का मतलब होता है कि ये बड़ा सा पीस ऑफ लैंड है, ये बड़ा सा पीस ऑफ लैंड है. साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दो बड़े से पीस ऑफ लैंड है. ओके, तो ये जो पीस ऑफ लैंड है, इन दोनों बड़े बड़े पीसेस ऑफ लैंड को कनेक्ट करने वाला एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड, एंड इसके आजू बाजू बहुत बड़ा बड़ा यू नो वाटर बॉडीज, ह्यूज वाटर बॉडीज. ओके, तो ये जो ह्यूज वाटर बॉडीज है ये उसके बाजू में होने चाहिए, एंड ये पतला सा स्ट्रिप होता है लैंड का जो दो बहुत बड़े बड़े लैंड पीसेस को ज्वाइन करता है, टू ह्यूज लैंड मासेस को ज्वाइन करेगा, दैट इज कॉल्ड एज एन इस्थमस. तो पनामा इज द बिगेस्ट इस्थमस इन द वर्ल्ड, ऑलराइट, लार्जेस्ट इस्थमस इन द वर्ल्ड, पनामा इज फेमस फॉर दैट. यहाँ से बीचों बीच आपका पनामा कैनाल भी जाता है. ठीक है, और क्या बताऊँ मैं आपको, बस हो गया, ये मेक्सिको का हो गया ना. नाउ आई विल गो बैक टू यूएसए. ओके, यूएसए की खासियत, यहाँ पे वी एज वी डिस्कस्ड, ये आपका देनाली है, जो विच यूज टू बी कॉल्ड एज, समबडी राइटली रोट ओवर हियर ना, इट यूज टू बी कॉल्ड एज माउंट मैकिनली, वेरी करेक्ट. देनाली यूज टू बी फॉर्मली कॉल्ड एज माउंट मैकिनली, ये आपका, ये यूएसए का हाईएस्ट माउंटेन है. ओके, यहीं पर इसी एरिया में यहाँ पर आपको माउंट लोगन मिलता है, जो कनाडा का हाईएस्ट माउंटेन है. ओके, यही इसी रीजन में, मतलब अ लिटिल अवे फ्रॉम इट. तो देनाली एंड माउंट लोगन आर टू ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन यूएसए. ओके, आई मीन नॉर्थ अमेरिका. नाउ नेक्स्ट, आप धीरे धीरे ये देखिए, ये यहाँ पर कोस्ट माउंटेन्स है. ओके, धीरे धीरे रॉकी माउंटेन्स करके एक लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा का पूरा यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड देन यू हैव दीज, ये छोटी छोटी रेंजेस है यहाँ पे, कैस्केड रेंज एंड सो ऑन सो फोर्थ. ओके, कैस्केड का क्या मेरा, ये मैकेंजी है, ये दिस इज, अरे व्हाट आर यू गाइस डूइंग, पता नहीं है वो किनली का पानी कहाँ से आता है, लेकिन इट साउंड्स लाइक अ सरनेम मोस्टली टू मी. ये मेरा कैस्केड रेंज गुम हो गया ना यार, इसके सॉरी पीपल, जस्ट वन मोमेंट, बट एनीवेज रिमेंबर, वो कैस्केड रेंज भी यहाँ है, मुझे मिल नहीं रहा है वो अभी, लेकिन इट इज समवेयर इन दिस एरिया ओनली. ओके, तो ये रॉकी माउंटेन्स के बीच में ही यहाँ पर कैस्केड रेंज है, एंड देन नीचे आप आ जाओ तो यहाँ पर आपको सी, दिस इज द कोस्ट रेंज अगेन, ये कोस्ट के इसलिए यहाँ पे रेंजेस जो होती है इसलिए उसको कोस्ट रेंज कहते हैं, एंड दिस इज द कोलोराडो प्लेटो. ओके, ये यहाँ पे कोलोराडो प्लेटो है, एडवर्ड्स प्लेटो है, ये ग्रेट बेसिन है, दिस इज ऐसे डेजर्ट टाइप का रीजन है, डेजर्ट ही है वो, कोल्ड डेजर्ट रीजन है ये, एंड यहाँ पर ना ऐसा बहुत एरिडिटी है. ओके, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पे मेजर रिवर्स है आजू बाजू इसके, ये देखिए ये स्नेक, कोलंबिया स्नेक सिस्टम है यहाँ से, एंड ये यहाँ पे कोलोराडो का सिस्टम है, और इसके बीचों बीच यहाँ पर आपको ये ग्रेट बेसिन मिलता है. यहाँ पर बाजू में आपको ग्रेट सॉल्ट लेक मिलता है, इट्स फेमस ओवर हियर. ये कोलोराडो रिवर है, यहाँ पर लेक मीड है, यहाँ पर आपका ये है एरिजोना में, यू विल हैव दैट ग्रैंड कैनियन ओवर हियर ऑन कोलोराडो रिवर, कोलोराडो रिवर पे ही फॉर्म होता है. कैलिफोर्निया में, दैट इज द लोएस्ट पॉइंट इन यूएसए. ओके, सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पे है यूएसए में, ठीक है, दैट इज डेथ वैली इन कैलिफोर्निया. ऑलराइट, अभी आपके मेजर डिविजन दिखे यूएसए के, ये चार मेजर डिविजन देखिए, यहाँ पर पूरा रॉकी माउंटेन्स. ओके, ये जो वेस्टर्न पार्ट है दैट इज रॉकी माउंटेन्स, तो इसमें आपका सियरा नेवाडा वगैरह कोस्ट रेंज, ये यहाँ पे माउंट शास्ता है, कहाँ गया मेरा माउंट शास्ता, अभी तो था,
से किसी गुम हो जाता है। हाँ यहाँ पे ओके माउंट शास्ता था यहाँ पे ओके दिस दिस इज माउंट शास्ता इन कैलिफोर्निया। तो ये सारे सियरा माद्रे ये सारे रेंजेस आते हैं ओके ये सिंपली सियरा नेवाडा का ये सिंपली कंटिन्यूएशन है सारे का सारा ओके। नेक्स्ट यू कम टू द ग्रेट प्लेन्स। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ग्रेट प्लेन्स रीजन है, दिख रहा है आपको, दिस इज द ग्रेट प्लेन्स। यहाँ पर आप तो यू नेम इट एंड यू कैन हैव इट। ये पूरा जो रीजन है दिस एंटायर रीजन ये व्हीट का रीजन है ओके। दिस दिस पार्ट इज द कॉर्न बेल्ट ओके। नो नो सॉरी दिस दिस पार्ट इज द दिस बेल्ट व्हाट डू यू से व्हाट इज रॉन्ग विथ मी वेट गुम हो गया मेरा डेरी बेल्ट सॉरी ये जो पार्ट है ना ये वाला ये डेरी बेल्ट है ओके। यहाँ से डेरी प्रोडक्ट्स ज्यादा आते हैं। फिर उसके नीचे ये वाला जो पार्ट है ये कॉर्न बेल्ट है, दिस इज द कॉर्न बेल्ट ओके। एंड देन ये वाला जो पूरा रीजन है ये व्हीट है ओके। यहाँ पर भी व्हीट है मोस्टली, बीच में यहाँ पर व्हीट है। एंड देन लास्टली यहाँ नीचे का जो पार्ट है ये वाला, ये आपका कॉटन एंड टबैको वाला रीजन है। रिमेम्बर कल हम डिस्कस कर रहे थे वर्जीनिया फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया, तो ये टबैको इसीलिए यहाँ से आता था ओके। इट यूज टू बी वेरी ग्रेट फॉर टबैको एंड एवरीथिंग। चलेगा तो ये आपका दिस इज द ग्रेट प्लेन्स। तो यू नेम इट एंड यू कैन कल्टिवेट इट ओवर हियर, ऐसा वाला रीजन है ये ग्रेट प्लेन्स का ओके। यहाँ से पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलराइट। नेक्स्ट यहाँ पर आपके एप्लेचियन माउंटेन्स है, दिख रहा है यहाँ पे दीज आर द एप्लेचियन माउंटेन्स। एप्लेचियन माउंटेन्स की खासियत है यहाँ पर थोड़ा सा ब्लू रिज माउंटेन्स है, यहाँ पर वो एडेंडे रॉक है। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट सॉरी एडिरोंडैक मैं क्या बोल रही हूँ, एडिरोंडैक माउंटेन्स है यहाँ पे एंड दिस इज ब्लू रिज माउंटेन्स ओके। यहाँ पे उसके अंदर वो ब्लैक माउंटेन्स एंड ऑल भी आते हैं। तो दिस रीजन इज एप्लेचियन माउंटेन्स जो है दिस इज इम्पॉर्टेंट ओके। इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर ना इधर पेंसिल्वेनिया में ऊपर पिट्सबर्ग में देर इज अ कोल का बेस्ट क्वालिटी कोल मिलता है, दुनिया का बेस्ट क्वालिटी कोल मिलता है यहाँ पे, एंथ्रासाइट ओके। एंथ्रासाइट की जो क्वालिटी होती है दैट्स द बेस्ट राइट। तो ये यहाँ का सबसे बड़ा कोल मिलता है। ये आप क्या लिख रहे हैं यार, माउंट विटनी इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द कंटिग्यूस यूनाइटेड स्टेट्स एंड योसेमिटी में क्या मिलता है। अच्छा योसेमिटी वैली इज स्कल्प्टेड बाय कल्चर ग्लेशियर्स ओके ओके। हाँ लेक टाहो, इट इज द लार्जेस्ट एल्पाइन लेक इन नॉर्थ अमेरिका ओके ओके थैंक यू वंस अगेन रुद्रेश इन द पब्लिक प्लीज। तो पब्लिक में डालिए ना इन्फॉर्मेशन ओके। फिर ये आपका पिट्सबर्ग जो है यहाँ पर ये कोल का रीजन है ओके। एंड यहाँ की इधर बाजू में जो कोस्टल प्लेन्स है दिस पार्ट दिस इज यहाँ पर आपको यूजुअली पाइन एंड ओक के फॉरेस्ट मिलेंगे एंड थोड़े से मिनरल रिसोर्सेज भी मिलते हैं। ये वाला जो रीजन है स्पेशली दिस पार्ट टेक्सास वगैरह वाला, तो ये आपको गल्फ ऑफ मेक्सिको वाला जो पार्ट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑयल ओके। ये ऑयल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ठीक है गुड। अभी ना ये वाला जो पार्ट है कैनेडियन शील्ड जिसको कहते हैं दिस रीजन ना दिस लॉरेंशियन शील्ड या कैनेडियन शील्ड कहते हैं इस रीजन को। तो दिस इज यहाँ पर भी ये मिनरल रिच रीजन है, गोल्ड आयरन ओर निकल यूरेनियम कॉपर ऐसा सब मिलता है ओके। यहाँ पर ये नीचे अलबामा में ना आपको आयरन ओर मिलता है, ऊपर पेंसिल्वेनिया में एपलेचिन में ही आपको कोल मिल जाता है ओके। एंड देन दिस वेस्टर्न माउंटेन्स दे ऑल्सो आर वेरी मिनरली रिच ओके। एंड यहाँ पर नीचे ऑयल मिला है दैट वी हैव डिस्कवर्ड। अरे यार यहाँ पे ये लेक एथबास्का दिख रहा है आपको, हाँ ये लेक एथबास्का जो है ना इसके बाजू में मतलब ये जो यहाँ पर ना एक एथबास्का रिवर है ओके। तो ये वाला जो बेसिन है ना उसका, तो यहाँ पर ना आपके जो ऑयल इसके जो सैंड्स है ना उसमें बिटुमिन का क्वांटिटी बहुत अच्छा है ओके। इट इज द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ बिटुमिन। तो एक्चुअली सऊदी अरेबिया में जितना ऑयल भरा पड़ा है ना उससे ज्यादा आपको इस रीजन में मिलेगा ओके। सिर्फ उसको जो माइन करने का तरीका है ना दैट इज अ लिटिल डिफिकल्ट ओके, बट इसका डिपॉजिट इज डेफिनेटली हाई। तो रिमेंबर लेक एथबास्का ओवर हियर ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली यू गो टू फिशिंग 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 फिशिंग। ये देखिए ये ग्रैंड बैंक्स ऑफ न्यू फाउंडलैंड, ये तो मैंने मार्क करके रखा है प्रॉपरली आपके लिए ओके। एंड जॉर्जेस बैंक्स ऑफ न्यू इंग्लैंड, ये जो एरिया है ना न्यूयॉर्क फिली पेंसिल्वेनिया ये वाला जो एरिया है इसको न्यू इंग्लैंड कहते हैं इसमें यूएसए में। तो यहाँ से जो बाजू में रीजन यहाँ से जो बाजू में एक थोड़ा सा शैलो ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहाँ पर ये दोनों बहुत फेमस फिशिंग रीजन्स है ऑफ यूएसए एंड कैनेडा। एंड यहाँ पर आपको यूजुअली कॉड हेरिंग हैडक ऐसे वाले फिशेस मिलते हैं ओके। सो दिस इज दैट इज राइट। अभी हम जरा ग्रेट लेक रीजन में आ जाते हैं, वी आर गोइंग टू लुक एट रिवर्स एंड एवरीथिंग। ये मिसूरी रिवर ओके, यहाँ से शुरू होती है एंड देन जाके मिसिसिपी में मिलती है ओके। मिसूरी रिवर जो है
मिजूरी इज योर लॉन्गेस्ट रिवर, ओके. यूएसए का सबसे लंबा रिवर मिजूरी है, यूएसए का सबसे बड़ा रिवर मिसिसिपी है, ओके. लार्जेस्ट रिवर इज मिसिसिपी, ये जो मिसिसिपी यहाँ से शुरू होता है, बट मिजूरी इज इज लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर, ओके. हमारे यहाँ कैसा है ना, गंगा इज द लॉन्गेस्ट, ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट, तो वैसे ही आपके दिस ओवर हियर ऑल्सो मिजूरी इज द लॉन्गेस्ट एंड मिसिसिपी इज द लार्जेस्ट. ये यहाँ पे मिसिसिपी का डेल्टा बनता है इन दिस रीजन, वो बर्ड्सफुट डेल्टा वाला. सो दिस इज दैट थिंग, ओके. कोलोराडो रिवर दिख रही है आपको, दिस इज द कोलोराडो रिवर, इंपॉर्टेंट. ये कोलंबिया स्नेक, ये वाली कोलंबिया यहाँ से, ये स्नेक यहाँ से उसको जाती है. दिस इज द कोलंबिया स्नेक रीजन, यहाँ पर वो कोलंबिया स्नेक प्लाटो भी बनता है. ओहायो इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, कहाँ गए ओहायो, ये वाली, ओके. दिस ओहायो, ये बहुत लंबी लंबी रिवर चलती है, ओहायो इज इम्पोर्टेंट. यहाँ पर ऊपर ना यूकॉन करके एक रिवर है इस रीजन में, ओके. मिला आपको यहाँ पे, दिस इज दिस यूकॉन रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. एंड देन उसके बाद छोटे छोटे रिवर्स है इस तरफ के, कनेटिकट या डेलावेर, हडसन, ये यहाँ पर जो इस रीजन में, इस रीजन के न्यू इंग्लैंड रीजन में आपको ये वाले छोटे छोटे रिवर्स मिल जाएंगे, ओके. दीज आर इम्पोर्टेंट रिवर्स. अभी ऊपर की तरफ ना आपको ग्लेशियर्स की वजह से थोड़े से मोरेन डिपॉजिट्स मिलते हैं इस तरफ. ग्रैंड कैनियन इज ऑन कोलोराडो, कोलोराडो रिवर पे ग्रैंड कैनियन मिलता है आपको, ओके. हडसन में वो प्लेन, हाँ जी बिल्कुल, हडसन इज सिचुएटेड, न्यूयॉर्क इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ हडसन, एंड वॉशिंगटन डीसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ पोटोमैक. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, आई शुड हैव रिमेंबर्ड टू टेल यू गाइस दिस. आपको यूजुअली ये भी पूछा जाता है कि कौन सी रिवर के बैंक पे कौन सा इंपॉर्टेंट सिटी है, हेंस यू शुड नो दिस. जैसे दिल्ली यमुना के बैंक्स पे है वैसे, ओके. सो यस, कैप्टन सलीम, टॉम हैंक्स, वंडरफुल एक्टर दैट ही इज. एनीवेज, ये आपको मैं आपको बता रही थी कि ये जो रीजन है, यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको यूजुअली थोड़ा सा मोरेन डिपॉजिट्स मिलते हैं, नीचे की तरफ थोड़ा सा अलुवियल डिपॉजिट्स मिल जाते हैं, ओके. आपको इस रीजन में ना यूजुअली ये जो ग्रेट लेक्स रीजन है, यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट पाइन वगैरह मिलता है, व्हाइट पाइन. एंड देन अलास्का में, अलास्का की तरफ जाएंगे तो स्प्रूस वगैरह मिलता है. यूजुअली इस तरफ थोड़ा सा और इधर आएंगे ना आप, कैलिफोर्निया में सियरा नेवाडा वगैरह रीजन में, रीजन की तरफ, तो आपको ना जायंट सिकोयास मिलते हैं, रेडवुड्स या जायंट सिकोयास. वो बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ना, जिसके अंदर से आप, जिसको काट काट के आप उसके अंदर से रस्ते बनाते हैं, वैसे वाले ट्रीज मिलते हैं आपको यहाँ पे, ओके. जायंट सिकोया, इफ यू हैव नेवर सीन वन, ट्राई गूगलिंग वन, ओके. मजा आएगा आपको वो ट्री देखने में, ओके. एंड देन एज यू गो ऑन टू द सदर्न रीजन, जितना आप डेजर्ट रीजन में जाते हो ना, उतना आपका प्लांटेशन, आई मीन वेजिटेशन जो है वो छोटा छोटा होते जाता है, ओके. उसका हाइट रिड्यूस होते जाता है, एंड देन बहुत स्क्रबी वेजिटेशन मिलता है. दैट स्क्रबी वेजिटेशन इज इन फैक्ट, ओके, कहा गया, हाँ, दैट स्क्रबी वेजिटेशन इज इन फैक्ट कॉल्ड एज द चैपरल, ओके. सदर्न रीजन्स में थोड़ा सा स्क्रबी ग्रोथ मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज द चैपरल, ओके. यहाँ के जो इंडिजिनियस पीपल है ये इंपॉर्टेंट है, दीज आर कॉल्ड एज शेरुकीज, नावाहो, चिपवा, लकोटा, चौकटा, अपाची, आपने अलुट्स, क्रीक, ब्लैकफुट, तो ये अलग अलग नाम के लोग हैं. प्लीज रिमेंबर इंडिजिनियस पीपल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, क्योंकि आपको मैच द फॉलोइंग में आता है कि कौन से रीजन का कौन सा ट्राइब है या इंडिजिनियस पीपल है. एंड ये आपको, हमने एग्रीकल्चर ऑलरेडी स्टडी किया था कि कौन से रीजन का एग्रीकल्चर कहाँ पे है, ओके. एंड दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इन द यूएस दैट वी शुड नो अबाउट, न्यूयॉर्क, न्यू ऑरलीन्स, ह्यूस्टन, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस वगैरह, ऐसे सारे पोर्ट्स है. कनाडा में आपको दो इंपॉर्टेंट रिवर्स है, ओके. सेंट लॉरेंस, ओके. सेंट लॉरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर. सेंट लॉरेंस का थीम में ना आपको ये पूरे लेक्स भी आ जाते हैं, ओके. ये जो सेंट लॉरेंस है उसके साथ आपको ये लेक्स मिल जाते हैं. लेक्स को याद रखने का तरीका, किसी ने अभी मुझको होम्स बोला था, इट इज एच फॉर ह्यूरॉन, ओ फॉर ऑन्टारियो, एम फॉर मिशिगन, ई फॉर एरी एंड एस फॉर सुपीरियर, ओके. मुझे इंटरनेट पे एक चीज मिला है, उसका बड़े से लेके छोटे साइज में, सुपर हीरोज मस्ट ईट ओट्स, ओके. सुपर हीरोज मस्ट ईट ओट्स, ओके. सो दैट इज योर थिंग फॉर लार्जेस्ट लेक टू स्मॉलेस्ट लेक, दैट इज द वे इट वर्क्स. तो यू हैव सुपीरियर, देन ह्यूरॉन, देन मिशिगन, देन एरी, एंड लास्टली यू हैव ओंटारियो, ओके. दिस फ्रॉम
ऊपर से लेके नीचे तक, बड़े से लेके छोटे तक. हाँ थैंक यू डोरेस फॉर रिमाइंडिंग. मैं अभी बोलने वाली थी, ये लेक मिशिगन को देखिए. नॉर्मली ये जो लेक्स है ना, दे आर शेयर्ड बाय यूएसए एंड कैनेडा, ओके. लेकिन लेक मिशिगन जो है वो इकलौता लेक है जो पूरी तरह से यूएसए में लाई करता है. शिकागो उसके बैंक्स पे है, ओके. यू कैन शिकागो से ऐसे बहुत खूबसूरत व्यू है लेक मिशिगन का. ऑलराइट, सो दैट इज देयर. और क्या बोला आपको, लेक्स को यूजुअली लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट अरेंज करने को आना चाहिए. ऑल राइट, सो प्लीज डू दैट, यू शुड बी एबल टू डू दिस. ऑल राइट, यहाँ पर ये कनाडा के कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स देख लीजिए. दिस इज द ग्रेट स्लेव लेक, ऊपर ग्रेट बेर लेक है ये वाला. दिस इज द ग्रेट बेर लेक, द ग्रेट स्लेव लेक. ये लेक अथाबास्का है, रेनडियर एंड विनिपेग, ओके. ये फेमस लेक्स है यहाँ के. एंड वेजिटेशन यहाँ पर यूजुअली कॉनिफर्स का होता है या फिर डेसिडुअस टाइगा वगैरह इस तरह का होता है. एंड हेमलॉक, रेड सीडार वगैरह ऐसे सारी चीज ये होते हैं. ये जो एरिया है, ये वाला एरिया अल्बर्टा मैनिटोबा वगैरह, ये वाला जो एरिया है ना, दिस दिस रीजन, इसके पास ना चर्नोजम सॉइल्स है. रिमेम्बर हमने उसके पहले भी देखे थे, रशिया में मिलते हैं आपको टेम्परेट ग्रासलैंड्स में, स्पेशली इन द यूएसए, आई मीन स्पेशली इन नॉर्थ अमेरिका एंड रशिया, आपको चर्नोजम सॉइल्स मिलते हैं, ओके. चर्नोजम सॉइल्स की खासियत ये है कि ये जो सॉइल्स है ना आपके, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये ब्लैक होते हैं, ओके. ये टेम्परेट स्टेपी का फेवरेट ये है, सॉइल है. बेरिंग स्ट्रेट दिखाऊं मैं आपको, एक मिनट दिखाती हूँ. ये चर्नोजम ब्लैक टेम्परेट सॉइल्स है. यहाँ पर दीज आर एक्सट्रीमली, दे आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट, मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स एवर, क्योंकि उसमें बहुत ह्यूमस होता है, ओके. दे आर वेरी ऑर्गेनिक, यू नो, ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस ज्यादा होता है इसमें, तो इनको बहुत अच्छा सॉइल्स माना जाता है, ओके. आपको ये चाहिए था ना, यू वॉन्टेड टू सी बेरिंग स्ट्रेट. ये दिख रहा है ये वाला, हाँ, दिस रीजन इज बेरिंग स्ट्रेट. दिस इज बेरिंग स्ट्रेट, ओके. ये रशिया को एंड यूएसए के अलास्का रीजन को डिवाइड करता है, ओके. बहुत थोड़ा सा है, इट इज वेरी वेरी लेस, बहुत बहुत कम डिस्टेंस है यहाँ पे, लेकिन इसमें से ये बेरिंग स्ट्रेट चला जाता है, ओके. वो आर्कटिक ओशन एंड बेरिंग सी को जोड़ देगा, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है. ठीक है, अभी यहाँ ओए ओके. तो अभी ना यहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो यूजुअली लंबा, अभी नाउ यू आर इन कैनेडा, ओके. कैनेडा में है तो आई डोंट नो, आई रिमेम्बर कैनेडा में ना आपका एक ये लंबर के जो लंबरिंग एक ह्यूज ऑक्यूपेशन होता है, ट्रीज को फेल करना, यू नो, फेलिंग ट्रीज, मतलब कटिंग ट्रीज एंड उसका जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, वुड प्रोडक्ट्स, पेपर एंड पल्प एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये सब कुछ होता है वहाँ पे, ओके. वीट, बार्ली, ओट्स, ये इंपॉर्टेंट है उनके यहाँ पे. डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वी ऑलरेडी डिस्कस दोस. यहाँ के जो इंडिजिनियस पीपल है, दे आर कॉल्ड एज इनविट्स, ओके. एस्किमोज का एक यू नो स्पेशल नाम है, इनविट्स, ओके. यहाँ पे मिनरल्स, कैनेडा इज वेरी रिच इन मिनरल्स. उनके यहाँ पे सिल्वर का वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यूरेनियम उनके, दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ यूरेनियम, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, नेचुरल गैस, ये सब कुछ मिल जाता है, प्लैटिनम ऑल्सो. कैनेडियन का ना, कैनेडा का दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ट्रांसपोर्टेशन में. वन इज द ट्रांस कैनेडियन रेलवे विच जॉइंस वैंकूवर विद हैलिफैक्स, ओके. मेपल लीव्स, हाँ जी, वो उनका ये है कैनेडा का. वहाँ पे वो मेपल के ट्रीज बहुत, मतलब वो लीव्स बहुत फेमस है ना, तो मेपल लीफ उनके सिंबल है, उनका नेशनल सिंबल है मेपल लीफ. कहाँ गया मेरा, ये वाला जो यार, ये दिखाते क्यों नहीं है, अच्छा मेरे पास एक ही मैप है, ओके. पीपल लिसन ना, ये जगह जो दिख रही है अंदर जा रही है थोड़ा सा, हाँ, ये जो अंदर जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज बे ऑफ फंडी, ओके. यहाँ पर आपको हाइएस्ट टाइड्स मिलते हैं, यहाँ पर बे ऑफ फंडी में आपको हाइएस्ट टाइड्स मिलते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड एज ये जो जगह है दैट इज कॉल्ड एज नोवा स्कोशिया, ओके. दिस रीजन इज कॉल्ड एज नोवा स्कोशिया, दिख रहा है ना आपको ये वाला रीजन, तो ये छोटा सा आइलैंड जैसा चीज, तो दिस इज कॉल्ड एज नोवा स्कोशिया, ओके. तो यहाँ पर इसके इस एंड पे, एकदम बाजू वाले एंड पे, यहाँ पर हैलिफैक्स है, ओके. तो ये जो हैलिफैक्स है, यहाँ से लेके ऑलमोस्ट इधर इस वाले एंड तक, ये यहाँ पे वैंकूवर दिख रहा है, वैंकूवर सिटी, इट्स एन आइलैंड अगेन, ओके. तो ये यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा का पूरा ट्रांस कैनेडियन रेलवे है, ओके. दिस पूरे कैनेडा को ये यू नो क्रॉस, क्रिस क्रॉस करता है, एंड यू नो अक्रॉस कैनेडा आपको ट्रैवल करने को पॉसिबल होता है. एंड देन ये वाला जो वाटरवे है, ये फेमस है, सेंट लॉरेंस एंड ग्रेट लेक्स वाटरवे. दिस रीजन इज वेरी फेमस बिकॉज यहाँ से पूरा का, यहाँ पे एक्चुअल ट्रांसपोर्ट होता है पीपल. आई विल टेल यू व्हाट, ये डेट्रॉइट है ना,
ये डेट्रॉइट है एंड यहाँ पर एक ओंटारियो है, ओके, जस्ट ऑपोजिट यू नो कनाडा के बॉर्डर के बियॉन्ड ओंटारियो है, ओके. तो ये जो डेट्रॉइट एंड ओंटारियो के बीच में एक प्रॉपर ब्रिज है, ओके, यू कैन एक्चुअली क्रॉस ओवर बिकॉज डेट्रॉइट यूज्ड टू बी नोन एज द, ये बहुत बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग हब है यूएस का. जितने बड़े नेम्स हैं आपके, से क्रिजलर या फिर फोर्ड, जीएम है ना, तो जनरल मोटर्स, तो ये जो सारे के सारे तो डेट्रॉइट में मिलते हैं, ओके. क्यों? क्योंकि इट इज वेरी क्लोज टू पिट्सबर्ग एंड यू नो यहाँ से आयरन एंड स्टील का बहुत, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग है इस तरफ की एंड डेट्रॉइट में, इसलिए आपको कार मैन्युफैक्चरिंग का हब मिलता है यहाँ पे, ओके. सो इसके अक्रॉस ना, आई मीन इतना अच्छा ट्रेड चलता है कि इट जस्ट हैपेंस अक्रॉस द वाटर बॉडी, आपके वो जो ग्रेट लेक्स है ना उसके अक्रॉस चलता है ये. तो यहाँ से पूरा दिस एंटायर प्लेस हैज अ नाइस वाटरवे सिस्टम, ओके. एवरी यू कैन सिंपली ज्वाइन इन, ऐसे जैसे हम गंगा पे करते हैं वैसा वाला. I think we are done with it. At least I am done with you. So if you have something to say, I'm done with you. As in, I'm done with these two topics. मैं और ज़्यादा कुछ नया नई सीरीज़ से कंटिन्यू नहीं करना चाहती. So if you guys have something else to, hello people. हाँ, if you guys have something else to say or do, तो हम बोलिए. If you have any questions or anything. पीडीएफ वाले क्वेश्चंस कब लेने वाली हूँ मैं? अभी मैं ले सकती हूँ, लेकिन अभी आपको नया वाला क्लास शुरू करना है ना, तो कर लेते हैं. चलो पीडीएफ वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, दो दो चार चार भी अच्छे होते हैं ना. एक्चुअली आई वाज होपिंग कि थोड़े पीडीएफ क्वेश्चंस थोड़े कॉन्टिनेंस करते, तो आई वॉन्टेड टू मिक्स एंड मैच, लेकिन क्या करें अभी. हेलो रिंकू मैम. हो गया सर? ओके, नो प्रॉब्लम सर. प्रताप, आई डू देम टुमारो, आई डू दोस क्वेश्चंस टुमारो. Thank you, sir, and thank you everyone for your time. Take care. Thank you.